हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज हम देखेंगे कि बीटल लीफ या खाने वाले पान का पौधा कैसे उगाया जाता है। ये देखिए, मेरे पास एक पान के पौधे का जो बेल है वो मैंने कहीं से काट के लाया है। मेरे पास भी नहीं है, मैं बहुत दिनों से लगाना चाहती थी और ये मुझे आज मिल गया है। ये देखिए, इसे हमें काटना है तो जो नोड होती है या जहाँ से लीफ निकलता है उसके थोड़े से अंतर से इसे काट देना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो लीफ की नोड रहती है जहाँ से लीफ निकलता है वहीं से ही रूट भी निकलते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमें काटना नहीं है, वो वैसे ही रखना है। ये देखिए, मैंने इसका नोड, ये जो लीफ है, निकाल दिया है और यहाँ से मैं अभी इसको काटूंगी। इस तरह से इसे भी काट देना है। जो लीफ का नोड है वो हमें पानी के अंदर इंसर्ट करना है और ऊपर एक भाग रखना है, जैसे कि जिसमें से दूसरे पान या लीफ निकल आ सके और जो नीचे वाला नोड है तो उसमें से रूट निकल सके। इस तरह से देखो, इसे हमें ऐसे पानी में इंसर्ट करना है। आप कोई भी पानी ले सकते हैं, सिंपल टैप वाटर या फिल्टर का वाटर भी ले सकते, कोई भी वाटर आप ले सकते हैं। सिर्फ इसे ऐसे जो पानी में है हमें डुबो के रखना है। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पे आप रखे इसे वहाँ पे फ्रेश एयर आनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी धूप भी आनी चाहिए, पर पूरे धूप में इसे आपको रखना नहीं है, इसे मॉइस्ट प्लेस पे रखना है। मैं तो अपने किचन काउंटर पर ही रखूँगी इसको। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये जो प्लांट है इसमें ऐसे डुबो के रख दिए हैं। इस तरह से आप इजीली बीटल लीफ ग्रो कर सकते हैं। 100% आपका ये पूरे अच्छे तरह से ग्रो हो जाएगा, मरेगा नहीं और ये काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो देखिए, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन के बाद का अपडेट देखिए। मेरे जो ये प्लांट है उसको थोड़े थोड़े रूट्स निकल आए, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद वाले थोड़े छोटे छोटे ऐसे रूट्स निकल आए हैं। ये देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसको तो बहुत अच्छे से रूट निकल आए हैं सफ़ेद, ये आप देख पा रहे होंगे। जो इसके छोटे वाले रूट है, पहले वाले रूट है, तो वो गल जाते हैं कभी कभी, पर नए रूट निकल आते हैं। ये देखिए, मेरे इसमें तो पूरे नए रूट निकल आए और बड़ भी निकल आया है, आप देख पाते होंगे। तो ये देखिए, और पत्ते कितने फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल हरे ग्रीन कलर के। ये देखिए, इसको भी कितने अच्छे से रूट निकल आए हैं और ये ऊपर यहाँ पे बड़ निकल आया है, यहाँ से लीफ आएंगे अभी, उसकी भी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। और ये अभी तीसरे वाला देखिए, ये छोटा था तो इसको भी एकदम छोटा सा रूट निकल आया है और नीचे से बड़ भी निकल आया है। ये देखिए, ग्रीन कलर का छोटा लीफ यहाँ से अभी निकलेगा। इस तरह से आप इसको पानी में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, ऊपर वाला है जो, वो भी अभी खिलने लगा है, वो लीफ भी अभी खिल जाएगा। हमें क्या करना है कि ये जो वाटर है तो हर 3-4 दिन के बाद चेंज करते रहना है, उसमें वो गंदा हो जाता है। आप अच्छे से बॉटल साफ करें और उसमें दूसरा पानी भर दें और फिर से ये जो प्लांट है आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह से हमें अच्छे रूट निकलने तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अभी ये देखिए, हम मिलेंगे थोड़े दिनों के बाद अपडेट के साथ क्या होता है। आज देखिए, मेरे प्लांट के जो रूट्स हैं
और थोड़े से ग्रो हो गए हैं अभी, पहले 3-4 दिन और ये 3-4 दिन ही हो गए, यानी 7-8 दिन में ये प्लांट ऐसे दिखने लगा है। ये देखिए थोड़े रूट और ग्रो हो गए हैं और ऊपर वाला लीफ भी अभी खिलने लगा है, खिला नहीं है पूरी तरह से पर खिल जाएगा। ये देखिए इसके रूट्स कितने अच्छे से ये ग्रो हो गया है। अभी बड़ा आप नहीं देख पा रहे होंगे पर अभी वो भी निकल आएंगे। अभी देखिए और 20 से 25 दिन हो गए हैं, आप 1 महीने तक का समय लग सकता है। देखिए कितने सारे छोटे छोटे सफ़ेद रूट निकल आए हैं। ये देखिए मैं एक एक कर दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए कितने सारे रूट्स यहाँ निकल आए हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है तो ये बड़ लिप भी निकल आया है, नई ब्रांच वहाँ से अभी शुरू हो जाएगी। ये देखिए सेकंड इसको भी अच्छे से रूट निकल आए हैं और यहाँ से भी ये ब्रांच निकली है। ये जो ब्रांच है वो कोई भी नोड से निकल सकती है, ऊपर से भी निकल सकती है या नीचे वाले इससे भी निकल सकती है। अभी ये तीसरे को देखिए, इसका रूट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ पर ऊपर का जो लीफ है तो उसके साइड के लीफ में ही लीफ भी खिल गया है। देखिए अभी मैं इसे डायरेक्टली सॉइल में शिफ्ट करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, एक सिंपल गार्डन सॉइल और दूसरा जो वालू होती है सैंड, तो एक हिस्सा आपको सैंड लेनी है और दो हिस्से आपको गार्डन सॉइल लेनी है इस तरह से, और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। क्योंकि जो बिटर लीफ होते हैं तो उसकी जो सॉइल होती है तो अच्छे से उसमें से पानी का निचरा होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। उसमें पानी अगर ठहर जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता, प्लांट अच्छे से नहीं ग्रो हो पाता है। ये देखिए मैंने सॉइल प्रिपेयर की है, अभी मैं ये जो मेरे प्लांट है तो इसमें शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से आपको धीरे से इसको दबाना है, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है क्योंकि जो रूट्स है वो बहुत डेलिकेट है आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैं अभी इसको सॉइल में दबा दूंगी। ये देखिए अभी तीसरा भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये जो बीटल लीफ है इसमें थोड़ी धूप और ज़्यादा छाव इसको पसंद होती है और मॉइस्ट ऐसा सॉइल पसंद होता है, तो आप हमेशा इसको मॉइस्ट रखते जाइए और इसके जो लीव्स है तो उसको नहलाते जाइए। इसको नहलाना, अगर हम इसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं तो बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, अभी देखेंगे कुछ दिनों के बाद। ये देखिए अभी पूरे 3 महीने हो गए हैं और मेरा प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। मैंने इसमें मॉइस्टिक भी लगा दी है ताकि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। देखिए कितने ग्रीन कलर के पत्ते निकल आए हैं और कितने बड़े हो गए हैं। कोई प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया है, किसी की ग्रोथ थोड़ी कम है, पर अच्छे से तीनों प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं। इस तरह से आप भी ये बेटल लीफ घर पे लगा सकते हो। मैं जल्दी से दूसरा एक वीडियो भी अपलोड करूँगी जिसमें मैं एक पत्ते से बेटल लीफ कैसे लगाया जाता है वो आपको बताऊँगी, तो वो भी आप देखना मत भूलिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए।